और नालंदा बिहार के एक मजदूर हैं जो काम करने के लिए दक्षिण बस्तर की ओर आए हुए थे, और इसी दौरान जो है बीमारी की वजह से जो है इनकी मृत्यु हो गई, और उनके परिवार की इच्छा के अनुरूप जो है यहाँ पर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और इनके परिवार वालों की इच्छा थी कि इनका जो है अंतिम दर्शन जो है वीडियो कॉल के माध्यम से उनको कराया जाए, तो इसमें जो है उनके इच्छानुरूप जो है इनका वीडियो कॉल करा के जो है इनका अंतिम दर्शन जो है और अंत्येष्टि का जो कार्यक्रम है उनके परिवार वालों को जो है कराया गया है, और उनकी इच्छा अनुरूप जो है यह अंत्येष्टि कार्यक्रम जो है कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि लॉकडाउन के पश्चात जो है वो यहाँ पर आएंगे और तब तक जो है इनकी अस्थियों को जो है सुरक्षित रखा जाएगा, तो उसी के अनुरूप जो है कार्यक्रम के पश्चात जो है इनकी जो अस्थियाँ हैं उनको सुरक्षित रख के जो है जब भी कभी वो आएंगे जगदलपुर उनकी जो अस्थियाँ हैं उनको सम्मान जो है उनके सुपुर्द किया जाएगा। बस्तर में युवा काम करता था, बिहार से आया हुआ था, युवा काम करता था कंपनी में, तो क्या बस्तर पुलिस अगर वो परिवार वाले कुछ आर्थिक मदद मांगते थे तो वो भी करने के लिए तैयार है बस्तर? हाँ, निश्चित तौर पर जो है यह जो मामला है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में भी है और उन्हीं के निर्देश पर जो है यह कार्यक्रम चूँकि संपन्न कराया जा रहा है, और इसके अतिरिक्त जो है उनके जो ठेकेदार हैं जो नागपुर में इस लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं उनसे भी लगातार संपर्क बना हुआ है। उन्होंने भी यह आश्वासन दिया है कि जो भी आर्थिक मदद होगी वो जो है ठेकेदार की ओर से कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है यदि ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उनके ठेकेदार से किसी कारणवश जो है तकनीकी वश जो है अगर मदद नहीं हो पा रहा तो भी पुलिस विभाग की ओर से जो है इनके परिवार वालों को जो भी मदद हो पाएगी वो पूरी मदद जो है किया जाएगा।